तो हेलो एवरीवन, बिना मिशेल साइड वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी दिनों से ये चर्चा में चल रहा है कि आईआरटी का काउंसलिंग कब से होगा। इतना लेट कभी नहीं हुआ था, एग्जाम इतना जल्दी हो गया, मतलब कि 2 साल से इतना सेशन लेट चल रहा था, लेकिन इस बार यूपी पॉलिटेक्निक का भी और आईआरटी का एग्जाम मतलब ठीक ठाक बहुत टाइम पे हो गया, उसके बाद भी सेशन इतना लेट हो रहा है, मतलब कुछ कहा नहीं जाता। मैक्सिमम बच्चे बस दिन रात यही कॉल करके पूछ रहे हैं, कमेंट जाकर देखो हर एक वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट इसी पे आ रहे हैं, सर आईआरटी का काउंसलिंग होगा कब। मुझे पता है इस वीडियो पर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछेंगे कि सर आईआरटी काउंसलिंग कब होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, अभी मेरी बहुत बच्चों से बात हुई है जो कॉलेज के अंदर है, मेरे बहुत सारे, आपको पता है कि मेरे मैक्सिमम बच्चे आईआरटी में सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों से मेरी लगातार बात हो रही है, तो बच्चों का कहना है, मैं माहौल देख रहा था अंदर का, कि अंदर का माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि और भी कोई अधिकारी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि काउंसलिंग कब से होगा, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, माहौल क्या। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चा हमारा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, हर जगह हमारा बच्चा रियल कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। तो वही मैं बच्चों से बात कर रहा था, तो बच्चों ने बताया सर देखिए यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग, क्योंकि हमने भी आपको कई बार बता रखा कि यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग इसी सितंबर के फर्स्ट वीक, यानी कि 7 सितंबर तक, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना, 7 सितंबर तक यूपी पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग स्टार्ट या फिर शेड्यूल कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी वेट कर रहा है, आईआरटी भी वेट कर रहा है कि जैसे यूपी अपना काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा, उसी लगे हाथ हम लोग भी क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग भी क्या करेंगे, अपना काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर देंगे। काउंसलिंग लेटर किसको बुलाया गया, कितने बजे, कब बुलाया गया है, ठीक है। यूपी का तो पता चल रहा है, जो कि सूत्रों के मुताबिक पता चला, हम लोगों ने बात करी वहां पे ऑफिस में, बच्चों ने बहुत सारी बात करी, तो और बहुत सारे कटिंग भी है न्यूज के, तो ये पता चला कि यूपी का तो 7 तक तो लगभग लगभग शेड्यूल आने का चांस है, मैक्सिमम चांस 99% चांस है कि शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन आईआरटी भी उसका शायद वेट कर रहा है कि जैसे ये अपना शेड्यूल जारी करेगा, मुझे लगता है कि अब बच्चे ये भी बता रहे थे मेरे से, एक बच्चे से नहीं कई सारे बच्चे से मेरी बात हुई, तो बच्चे ये भी बता रहे सर अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 10 तारीख, तो मतलब 10 दिन मैक्सिमम, मतलब 1-2 दिन पहले मेरी बात हुई, तो बच्चे क्या सर 10 दिन मैक्सिमम है, उसमें शेड्यूल आ ही जाएगा, इतना दिन अगर वेट कर लिए तो 10 दिन और वेट आपको करना पड़ेगा। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है ना, इतने परेशान हो जा रहे हैं, इतने कॉल्स, इतने मैसेज, इतने कमेंट्स इसी टॉपिक पर, और क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए, क्योंकि आईआरटी को लेकर के कोई भी बात नहीं करता है, और बच्चों को आगे की क्लास में एडमिशन लेना है। बहुत सारा बच्चा 10th के बाद दिया होगा एग्जाम, तो उसको 11th में एडमिशन लेना होगा, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चे परेशान चल रहे हैं, एडमिशन वहां पर क्लोज होने जा रहा है, तो बच्चे वाकई में परेशान हुए तो हमें ही तो पूछेंगे ना, हमसे ही पूछेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, यूपी का ये चांस है कि 7 सितंबर तक आ जाएगा, और जैसे ही आने के बाद 10 दिन के अंदर, मतलब कि जहां तक मुझे लग रहा है कि 10 सितंबर तक शेड्यूल इसका आराम से आ जाएगा, जो पता चल रहा है, अभी ऑफिशियल साइट कोई भी नहीं है, irtonline.in पे आप जाके खुद चेक करते रहो, ठीक है, और यूपी वाले हैं तो jwsup.admission.nic.in पे जाके खुद चेक करते रहो, बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें तो समझ में आ रही है सर कि यूपी का अगर 7 तक कहा गया है तो ये 10 सितंबर तक आने का मैक्सिमम चांस है, क्योंकि ये भी वेट कर रहा है कि यूपी का कर दे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका अपना शेड्यूल जारी करेंगे। तो ये बात लगभग के लगभग आपको देखो ऑफिशियल साइट पर नहीं मिलेगी, लगभग के लगभग ये बात आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि 10 सितंबर तक, ऐसा बच्चे बता रहे हैं कॉलेज में कि ऐसा माहौल चल रहा है सर कि 10 तक लगभग आपको ये शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब देखो क्या होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि आप लोग परेशान मत हो, लेकिन जो बच्चा 10th के बाद गया उसको लगता है नहीं सर रैंक बहुत अच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ सर कि आगे की पढ़ाई करूँ, तो मैं कहूंगा 11th 12th कर लो अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो क्योंकि अगर आप 11th 12th अच्छे से कर लेते हो तो आगे कोई भी, अगर इस बार आईआरटी निकालो तो अगले बार भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको वो चीज पता हो गई है, बात समझ में आ रही, कितना क्वेश्चन करना, कैसे करना, पैटर्न क्या, सारी चीज आपको लेवल पता होगा क्योंकि आपने साक्षात पेपर को देखा है, बात समझ में आ गई। इसलिए अब जाकर क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे एडमिशन चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना बनता है। तो ये कंक्लूजन आपको मैं बता देता हूँ कि 7 तक यूपी का होने का चांस है, तो इसके बाद ही ये करेगा, 10 तक इसका भी आने का चांस है, ठीक है, ये ऐसा बताया जा रहा है, कोई ऑफिशियल साइट पर ऐसा चीज नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, परेशान ना हो, ये बहुत सारे बच्चे इसे बता रहे थे जो कॉलेज में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, ठीक है। फिर भी बच्चा कमेंट करके पूछेगा सर क्या हुआ सर आईआरटी काउंसलिंग कब होगा, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग वेट कर लो थोड़ा सा, यही वेट है, मुझे पता है तुम लोग बहुत परेशान हो, रियल में परेशान हो, लेकिन क्या ही किया जा सकता है, ठीक है।
तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, सिंपैथी मिलता है, हाँ यार चलो ठीक, कोई तो है बता रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सर वीडियो हेल्पफुल रही, ऐसे वीडियो आप बनाते रहिए ताकि हम लोग ऐसे बने रहें, जुड़े रहें आपके साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रियल कॉन्सेप्ट सेमेस्टर चैनल का, जहाँ पे सेमेस्टर क्लास चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके फटाफट अभी ज्वाइन कर लो। फिर मिलेंगे अगले नगल वीडियो था, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।